सकते, मगर अधर्म का नाश होना था, आज नहीं तो कल होना ही था। जो भी इस तरीके का काम करेगा ये सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, गलत करने वालों को बिल्कुल साथ नहीं खड़ी है सरकार। ये अपराधी है, जुर्म करेंगे उसकी सजा मिलेगी। मेरा यही कहना है कि ऐसे गुनहगारों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जो हत्यारे हैं और जिन उन्होंने अपनी तरफ से या किसके कहने पे ऐसी वारदात की है, सरकार इसका खुलासा जरूर करेगी। अतीक और अशरफ का जो एनकाउंटर हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है, देखिए अपराधी तो वो था ही, और अपराध करना कोई अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने कितने लोगों का घर उजाड़ा, आप ये समझ सकते हैं, मतलब कितने निर्दोष लोग मारे गए और कितने वर्षों से ये सीन चल रहा है। हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जायज काम कर रहे हैं, इसमें कोई नाजायजता नहीं है, सच्चा और देश के हित में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि पुलिस कस्टडी में ही जब लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता बीच में कैसे रहेंगे? अपराधी अपराधी होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो होना था वो हुआ, गलत का अंजाम गलती होता है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये चीज आप भी जानते हो। तो ये जो पुलिस कस्टडी के साथ गलती होता है, पुलिस कस्टडी में जो एनकाउंटर हुआ है, जो मुठभेड़ हुई है, क्या ये सही मानी जाती है? देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, जो भी हुआ सही गलत को नहीं बता सकते, मगर अधर्म का नाश होना था, आज नहीं तो कल होना ही था, और कितने लोगों का। अच्छा ये बताइए, अभी उमेश पाल जी की हत्या हुई, वो भी तो किसी का बेटा ही था, वो भी तो किसी का संतान थी, उसके भी तो माता पिता थे, उसके भी तो भाई थे, उसके भी तो रिश्तेदार थे, उनको क्या दुख नहीं हुआ होगा? भाई जब अपने पे आती है तो आदमी को दुख होता है, और जब दूसरे पे आती है तो नहीं दुख होता, ऐसा नहीं है। वो भी किसी परिवार का सदस्य था, वो भी किसी का बेटा था, तो ये भी समझ के चलिए आप इस चीज़ को, गलत गलत होता है। जो भी इस तरीके का काम करेगा ये सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी, गलत करने वालों को बिल्कुल साथ नहीं खड़ी है सरकार। योगी आदित्यनाथ जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो अतीक के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल, देखिए सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से अच्छा कर रही है, ऐसे देखिए किसी को सरकार नहीं मारेगी। जो गलत करेगा उसी के साथ गलत होगा, सही करने वाले साथ कहीं कोई गलत नहीं। हम लोग भी इतने सालों से घूम रहे फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की। आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा, सीधी सी बात है। जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। अच्छा किया होता तो ऐसा ना होता आपके साथ। तो ये जो लड़कों को पकड़ा गया है, क्या इन पे कार्रवाई की अगर होती है तो किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये सारा काम सरकार के हाथ में है। अब किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होगी, कैसे क्या हुआ, ये सब सरकार के अंडर में है, और सरकार जो करेगी अपने हिसाब से सही करेगी, कुछ गलत नहीं करेगी। ये सबके विकास की बात कर रही, किसी का बुरा नहीं चाहती सरकार, सीधी सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अतीक ने किया उसने गलत किया, उसको गलत का परिणाम मिला है, ये दुनिया जानती है। और ऐसा नहीं कि हिंदू लोगों को ही इसका मतलब है, मुसलमान भी ये चीज़ कह रहे हैं कि गलत थी, गलत व्यक्ति था वो, तो जो हुआ सही हुआ, पाप का नाश होता है, ये आपको भी बताओ। परान जी, अभी जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है अतीक की, इससे क्या कहना है आपका? देखिए, अपराधी हैं, जुर्म करेंगे उसकी सज़ा मिलेगी, और जो यूपी सरकार है वो अपने हिसाब से काम कर रही, जो कि बहुत अच्छा है। निसंदेह वो किसी के ऊपर कोई भी मतलब कोई जाति वाता कोई काम नहीं हो रही कि एक विशेष जाति विशेष के लिए काम कर रही है, सभी के लिए काम कर रही है। और वैसे भी किसी भी अपराधी का कोई भी जात या मजहब नहीं होता है, वो एक अपराधी होता है, उसको अपराधी नज़र से देख रही है, सबसे बड़ी बात है। जी, मेरा नाम श्याम पाल है, मैं मूर्ति काम करता हूँ, और सरकार जो ये सब कर रही है अतीक की वजह में बहुत अच्छा ही कर रही है। अतीक का जो कल मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसमें क्या कहना है आपको? मेरा यही कहना है कि ऐसे गुनहगारों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, और हम लोग की यही एक राय है कि ऐसा दोबारा ऐसा भविष्य में ऐसा कोई अतीक ना तैयार हो। अभी जो कल जो रात में जो मर्डर हुआ है अतीक अहमद का, उसमें क्या का वर्जन है कहना आपका? निश्चित रूप से ये जो मर्डर की कार्रवाई कुछ लोगों ने की है, जो बाद में पकड़े भी गए हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम उन्होंने किया है। आगे की कार्रवाई यूपी सरकार और जिला प्रशासन करेगा, जिसमें कि सबका साथ सबका विकास और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ऐसी हम लोगों की भावना है। तीन लड़के आए थे अचानक पत्रकार बनके, उन्होंने ताबड़तोड़ बोलने चला गया। निश्चित रूप से पत्रकार बनके वहां पहुंचना, सुरक्षा घेरे को तोड़ना, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी चूक तो ही है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत रखा जा रहा था अतीक को गुजरात से कानपुर लाने पे, इलाहाबाद लाने पे, और इसके बाद जगह जगह सुरक्षा प्रदान की गई। कल कहीं ना कहीं
चूक तो निश्चित हुई है जिससे इतनी बड़ी घटना घटित हो गई कि दोनों भाई मारे गए। अपना परिचय दे दें जो अतीक की जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है अपराधी का, क्या कहना है? मैं सैफुल्ला खान हूँ, और जहाँ तक अतीक की बात है तो अतीक एक अपराधी था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो घटना हुई है तो उसमें सरकार के ऊपर जो आक्षेप लग रहे हैं या पुलिस के ऊपर आक्षेप लग रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये अपराधी हैं, इनके तमाम दुश्मन होते हैं, और किसी दुश्मन ने या कुछ ऐसा कर दिया तो उस टाइम पुलिस बात की बात है कि पुलिस उसमें क्या कार्रवाई करती है, सरकार क्या कार्रवाई करती है। और निश्चित तौर पे सरकार जो है किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, और सभी के साथ अभी तक ऐसा देखने में आ रहा है कि सभी के साथ समान व्यवहार सरकार कर रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार जो है इस घटना का पर्दाफाश करेगी, और जो हत्यारे हैं और जिन उन्होंने अपनी तरफ से या किसके कहने पर ऐसी वारदात की है, सरकार इसका खुलासा ज़रूर करेगी। और हम ये भी जानते हैं कि सरकार का जो कार्यशैली है, सरकार जो जो काम करने का तरीका है, उससे समाज में एक निश्चित तौर से संदेश जा रहा है कि अपराधी वो किसी भी धर्म या जाति का हो, अपराध को और अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।